बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम हो गए आप सभी के अंदर वीडियो में। तो आप लोग ने सेटअप देख लिया है भाई, आउटडोर शूट कर रहा है, मतलब आपको पता चल ही गया है, थंबनेल टाइटल भी आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत तेज हो रहा है। हम आज करेंगे 24 आवर्स इंटरनेशनल चैलेंज और जो भी रिजल्ट्स रहेंगे भाई आपके साथ लाइव शेयर करने वाला है जो भी रिजल्ट्स रहते हैं। सो गाइस, स्टेप नंबर वन है हमारे पास, सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हो, आपकी निश कौन सी है। अब इसकी रीजन ये है कि आप लोग अगर मुंह उठा के इसमें आ जाओगे, आप बहुत बड़ी मार्केट है, आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैंने किस प्रोडक्ट पे जाना है, आप पहले ही कंफ्यूज हो जाओगे। सो अगर आपने एक अपनी निश, अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी डिफाइन करके रखी हुई है तो देन आपका माइंड क्लियर होगा। इससे फायदा ये होगा कि आपका पहले नंबर पर पैसा बचेगा, क्योंकि आप पहले नंबर पर अगर आप डिफाइन नहीं है आपको कैटेगरी, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जाके ट्राई कर रहे हो तो उसमें आपका बजट लग रहा है। सेकंड नंबर पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो मेक श्योर कर लो आपकी कैटेगरी, आपकी निश आपको पता होनी चाहिए। सेकंड बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उस कैटेगरी में भी नैरो टारगेटिंग करो, क्योंकि हो सकता है लेट्स से कि होम डेकोर की कैटेगरी है, ब्यूटी की कैटेगरी है, हर बंदा उसमें काम कर रहा है। अब बेस्ट प्रैक्टिस ये है, अगर आप अच्छे रिजल्ट चाह रहे हो तो आप कोशिश करो कि होम डेकोर या ब्यूटी या कोई भी कैटेगरी हो सकती है उसमें नैरो टारगेटिंग करो, उसमें सब कैटेगरीज को जाके टारगेट करो, देन आपको अच्छे रिजल्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलेंगे। वैसे भी आप लोगों को मैं पीछे दिखा चुका हूं, अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो करते आ रहे हो, मैंने जितने भी स्टोर्स आपको दिखाए हैं वो निश कैटेगरी, मतलब कि उनकी कैटेगरी जो है वो एक स्पेसिफिक है। उसमें ये नहीं है कि एक होम डेकोर की प्रोडक्ट डाली हुई है, एक ब्यूटी की प्रोडक्ट डाली हुई है, एक जो है वो जिम इक्विपमेंट की प्रोडक्ट डाली हुई है, तो इस तरह का मामला आपको नहीं देखने को मिले। सो जो भी आप लोग स्टोर आप लोगों को पीछे मैंने दिखाए या आगे चलकर हम जो भी डिजाइन करने वाले हैं वो मैं एक सेम कैटेगरी पे डिजाइन करूंगा, मतलब एक स्पेसिफिक निश के ऊपर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे एक विनिंग प्रोडक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट नहीं है तब तक आपकी सारी की सारी मार्केटिंग, सारी की सारी रिसर्च, सब कुछ जो है वो जीरो है। अब इधर क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है भी कि नहीं। तो अगर आप मुझे पीछे से फॉलो करते आ रहे हो पूरे कोर्स को, तो आप लोग को मैंने सारी की सारी मेजरमेंट्स बताई हैं कि इन इन चीजों को आपने देखना है। अगर ये चीजें हैं आपकी प्रोडक्ट में तो समझ लो आपकी प्रोडक्ट जो है वो विनिंग प्रोडक्ट है। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, उधर एक अच्छी सी प्रोडक्ट, प्यारी सी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि मैंने फेसबुक अपनी प्रोफाइल ओपन कर ली हुई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है, उसका नाम है ऊपर आप लोग अगर देखो भी तो माई एड फाइंडर के नाम से आती है, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने शो ओनली एड्स के ऊपर ऑन कर लेना है। अब इसका फायदा आपको ये होगा कि आपके फेसबुक फीड के आपको ज्यादा ये जो है वो ऐड दिखाने शुरू कर देगा, आपका टाइम जो है वो पोस्टर देखने में बचेगा और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको एड्स ही होंगी और आपको पता होगा कि यार मैंने सिर्फ इंटरेक्ट एड्स के साथ ही करना है। तो जितनी ज्यादा एड्स होंगी हमारा उतना ही ज्यादा टाइम बचेगा। तो अभी मेरे सामने ये एड एक शो ही है, इसको आप लोग देख सकते हो। आप लोग इसी तरीके से स्क्रॉलिंग वगैरह करनी है, सिंपल से आपको जो है वो एड्स वगैरह ज्यादा शो होंगी इस एक्सटेंशन से। अब ये ज्यादा परफेक्टली काम तो नहीं करती, अगर मैं आपको बोलूंगी ये 100% ये काम करती है, क्योंकि फ्री है, फ्री में आपको पता है इतनी ही चीजें देखने को मिलती हैं। अभी ये चेक करो, मैंने 2-3 पोस्टें स्क्रॉल की हैं, उसके बाद मुझे फिर एक स्पॉन्सर्ड एड शो हो गई है। फिर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ इसको और इधर देखते हैं कोई एड और आती है हमें देखने को मिलती है, और ये चेक करें ये भी स्पॉन्सर्ड एड शो हो रही है। सो इस तरह आपका टाइम काफी ज्यादा बचेगा। अच्छा, इससे हटकर आप लोग टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पे आके भी अपनी रिसर्च वगैरह कर सकते हो। इधर मैं सिंपल से एक्सप्लोर पे आता हूँ और इधर मैंने सबसे पहले फिल्टर लगा दिया अपने यूएई का, दुबई का, क्योंकि मैं दुबई की मार्केट में एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट्स को। उसके बाद मैंने कन्वर्जन गोल लगा दिया कि मुझे सेल जिसपे मतलब कि लोग कन्वर्जन एड चला रहे हैं वो ही शो करवाए, एंड उसके बाद लास्ट 30 डेज का फिल्टर लगाया और कुछ भी नहीं, और उसके अलावा ऊपर आप लोग स्पेसिफिकली अपने कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। अच्छा, अब मैं जो है अपने माइंड में सेट करके बैठा हूँ कि मैं जिम रिलेटेड प्रोडक्ट को उठाऊंगा या होम रिलेटेड प्रोडक्ट को उठाऊंगा, मेरी ये कैटेगरी डिफाइन है। उसमें भी मैंने थोड़ी सी नैरो टारगेटिंग की है, थोड़ी सी रिसर्च वगैरह की है, और मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं वाटर बॉटल नहीं होती, जो वाटर बॉटल नॉर्मल वाली की नहीं मैं बात कर रहा, अभी मैं आपको शो करवाता हूँ कि मार्केट में लोग वो चला भी रहे हैं नहीं चला रहे, क्या सिनेरियो है, हमें चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा मार्केट में जब आप लोग आके चीजों को एक्सप्लोर करोगे। अब देखो, स्पेसिफिकली आपने निश डिफाइन कर ली है, अपनी कैटेगरी डिफाइन कर ली है, इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तब तक आप लोग किसी नतीजे पे नहीं निकलोगे। अच्छा, इधर मैं सबसे पहले कीवर्ड सर्च करता हूँ वाटर बॉटल का, इधर मैंने लिखा वाटर बॉटल और इसको मैं सिंपल से सर्च कर लेता हूँ। कीवर्ड कुछ भी हो सकता है, आप लोग डिफरेंट कीवर्ड ट्राई कर सकते हो अगर आपकी स्पेसिफिकली प्रोडक्ट नहीं निकल रही। अच्छा, नीचे ये देखो, मुझे एक वाटर बॉटल ये शो हुई है, ये क्रिएटिव है। अब ये देखो नॉर्मल है, इसमें कोई वो एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ऑनलाइन हमेशा वो चीज बिकती है जो थोड़ी हाइब्रिड हो, हाइब्रिड समझ रहे हो ना, एक वाटर बॉटल नॉर्मल है, एक में थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है,
हमेशा ऑनलाइन वही चीज बिकती है जो देखने में अट्रैक्टिव हो और वाव फैक्टर हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इस तरह के मामला, ये सारे फैक्टर मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अच्छा, ये एक नॉर्मल बॉटल है, इसमें बस वो शावर वाला उन्होंने फीचर दिया हुआ है कि गर्मी में आप ऐसे शावर वगैरह ले सकते हो, ये मुझे कोई इतनी खास लगी नहीं है। उसके बाद ये मुझे बॉटल काफी ज्यादा दिखाई दे रही है इधर, ये पेट्स के लिए है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हो जिधर पेट्स काफी ज्यादा है, मतलब आप ये प्रोडक्ट को चला सकते हो, समझ रहे हो ना, ये भाई की तरफ से टिप्स है। अच्छा, नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं इधर, ये एक वाटर बॉटल ये मुझे शो हुई है, ये चेक कर लेते कौन सी है। अच्छा, ये जो है ये वाटर लिखा हुआ है, अलाउ योर बॉडी टू अब्जॉर्ब मोर एनर्जी। इसको थोड़ा सा मैं प्ले करके और देख लेता हूँ ये। हाँ, मैं समझ गया, ये एक हाइड्रोजन वाटर बॉटल है आप लोग, ये काफी ज्यादा यूनिक भी है। अगर देखें हम इसको कंपेयर करें ना सिंपल वाटर बॉटल के साथ, तो ये मार्केट में चल सकती है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है। अब देखो, इंटरनेशनल गोरे जो है ना, वो ये चीजें बहुत नोटिस करते हैं, अपनी हेल्थ कॉन्शियस काफी ज्यादा होते हैं कि हमारी हेल्थ जो है इफेक्ट ना हो, तो इस तरह की चीजें अगर आप लोग चलाओगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने गिफ्ट वगैरह और या अपने फीचर्स डालोगे ना कि आपको हाइड्रोजन वाटर बॉटल आप यूज करो, आप वाटर यूज करोगे उससे आप जो है जल्दी बूढ़े नहीं होगे, बॉडी है वो काफी ज्यादा फिट रहेगी, तो ये जब चीजें आप शो करवाओगे तो अगला बंदा लाजमी से उसकी तरफ इंट्रैक्ट होगा, उसको बाय करेगा। अच्छा, इसी के साथ एक और इधर ये चेक करो, ये भी हाइड्रोजन वाटर बॉटल का ही है एड। तो ये मुझे प्रोडक्ट थोड़ी सी अच्छी लग रही है, यूनिक भी लग रही है, और इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं और दोबारा से वही डॉग वाली आ गई, इसको भी एक अच्छी प्रोडक्ट है, आप लोग इसको भी ट्राई आउट करना लाजमी से अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो आप लोग। और उसके अलावा ये चेक करो, दोबारा से वही डॉग वाली आ गई है, तो लाजमी से ये चीज आप ट्राई आउट कर सकते हो। ये चेक करो, बहुत लोग मतलब के इसका मतलब है यूए के मार्केट में ये प्रोडक्ट जो है वो चला रहे हैं। अब मैं देख लेता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली फेसबुक एड लाइब्रेरी पे भी लोग चला रहे हैं या नहीं चला रहे, तो हम लोग चलते हैं फेसबुक की तरफ। ये मैं फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आ गया, इधर आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर से अपनी लोकेशन डाल देनी है, पहले ऑल एड्स पे आके आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है। मैंने वाटर बॉटल इधर लिख दिया, उसके बाद मैंने फिल्टर नीचे दो लगाए हैं, मैंने कहा मुझे एक्टिव एड दिखाओ। सेकंड नंबर पे मैंने बोला है कि वो मुझे वो एड दिखाओ जो कि मई से चल रही है, मई जून जुलाई, मतलब पिछले 2 महीने की मुझे एड शो होंगी जो लाइव है इस वक्त। अब नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और ये चेक करते हैं इधर से। वाटर बॉटल तो मुझे कोई नजर आ नहीं रही है। ओके, ये आ गई, ये एक पोर्टेबल जूसर ब्लेंडर है, इसको हम लोग स्किप मारते हैं, इसका हमारे साथ कोई काम नहीं है। अच्छा, ये चेक करो, हमें हमारी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो मिल गई है इधर। ये देखें, ये शॉप हाइड्रोलाइट पता नहीं कोई पेज है वो चला रहा है। इसका हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे हम लोग सी एड डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसकी एड देख लेते हैं। इसने पहले नंबर पे प्राइमरी टेक्स्ट ये डाला हुआ है, उसके बाद ये पिक्चर यूज की है, उसके अलावा ये उसने नीचे अपनी हेडलाइन डाली हुई है और डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। उसके अलावा आप देखो इसका कॉल टू एक्शन बटन शॉप ना उसने रखा हुआ है। हम लोग इसी प्रोडक्ट को आगे लेके चलते हैं, इसको मैं जैसे कैंसिल कर लेता हूँ। और ये चेक करो, इधर भी सेम ही मतलब के जो पेज है ना शॉप हाइड्रोलाइट वाला वही चला रहा है। सो ऐसा करते हैं, इसी प्रोडक्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है ना वो है अपना एक स्टोर को क्रिएट करना। जल्दी से हम लोग अपना एक स्टोर बिल्ड कर लेते हैं, फिर स्टोर बिल्ड करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। So guys, finally हमारा स्टोर जो है वो डिजाइन हो चुका है। यकीन करो, सबसे हेक्टिक काम जो है मुझे यही लगता है, मजदूरों वाला काम करना पड़ता है। सो फाइनली डिजाइन हो गया है, क्या टूर करूँ अब? चलो टूर करवाते हैं, कैसा हमने स्टोर डिजाइन किया है, आज और देखते हैं। सो गाइज, ये हमारा सबसे पहले होम पेज है, होम पेज का टूर करवाता हूँ आपको। ऊपर आप लोग देखो, मैंने ये चेक कर अनाउंसमेंट बाहर लगाया हुआ है कि फ्री होम डिलीवरी करेंगे हम ऑल ओवर यूएई और केएसए में, और साथ मैंने लिखा है फ्री इंटरनेशनल शिपिंग है। और सेकंड नंबर पे हमारा आता है हेडर, हेडर में मैंने इधर एक प्यारा सा लोगो करके लगा दिया है। उसके बाद होम है, आवर स्टोरी का एक मैंने पेज बनाया हुआ है। उसके बाद शॉप हाइड्रोलाइट प्रो जो हमारी प्रोडक्ट है उसका मैंने एक लिंक ऊपर बना दिया है, और एक कॉन्टेक्ट अस का मैंने बटन लगाया। नीचे ये एक बैनर मैंने खुद डिजाइन किया है कैनवा से, आप लोग भी बिल्कुल फ्री है जाके बना सकते हो। सिंपल मैंने अपने प्रोडक्ट की जो है वो पिक्चर लगाई है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके मैंने पीछे एक बैनर लगा दिया है, और साथ ही मैंने एक टेक्स्ट भी इधर लिख दिया है, हाइड्रोलाइट ट्रांसफॉर्म योर वाटर। नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे मैंने ये होम पेज का टूर करवा रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो होम पेज है इस पे हम लोग अपने कस्टमर को लैंड नहीं करवाते, हम अपने लैंडिंग पेज पे लेके जाते हैं। वो कैसा डिजाइन किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्विक ओवरव्यू करते हैं। ये आप लोगों को इधर प्रोडक्ट शो हो रही है, ये मैंने प्रोडक्ट लगा दी। उसके बाद मैंने व्हाट्स आवर कस्टमर सेज मतलब प्रोडक्ट्स रिव्यूज रिलेटेड हम लोगों ने एक सेक्शन बना दिया। उसके बाद नीचे हमने अपने ब्रांड रिलेटेड एक सेक्शन डाल दिया, और उसके बाद नीचे लिखा है डू यू नाउ डेट 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर, मतलब उस पानी से रिलेटेड थोड़े से फीचर शो करवाएं ताकि कस्टमर थोड़ा अट्रैक्ट हो हमारे साथ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, इधर मैंने बेनिफिट्स पे एक सेक्शन डाला है। बेनिफिट्स का मतलब ये होता है कि कस्टमर को पता चले कि अगर हम ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, हमारा इसमें क्या मुफाद है।
तो ये चीज आप लोग लाजमी ऐड करो अपनी प्रोडक्ट में, ताकि आपका इंटरेक्शन कस्टमर के साथ थोड़ा सा बढ़े। ये मैंने फीचर्स डाल दिए हैं, साथ में मैंने थोड़ा विजुअली भी शो करवा दिया है, और लास्ट में हमने इधर 24/7 सर्विस सपोर्ट है, ट्रस्ट बैजेस हैं, और मतलब सारी चीजें इधर मैंने डाल के लास्ट पे एक फूटर डाल दिया है। फूटर में मेक श्योर करो अपने पॉलिसी पेजेस लाजमी हमने डालने हैं, जैसे रिटर्न पॉलिसी है, प्राइवेसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारे के सारे पेजेस आपने लाजमी से ऐड करने अपने शॉपिफाई स्टोर में। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम मैं मार्केटिंग करूंगा, उसमें ये चीजें कंपलसरी होती हैं। ओके, अब इसके बाद मैं ऊपर ये शॉप हाइड्रोलाइट प्रो के ऊपर अगर क्लिक करूं तो मेरी प्रोडक्ट खुल जाएगी, जिधर मैं अपने कस्टमर को एक्चुअली में लेके जाने वाला हूं। तो अभी हम इसका ओवरव्यू करते हैं। अभी पहले नंबर पे कस्टमर जब आएगा, इस तरीके से उसको प्रोडक्ट शो होने वाली है। लेफ्ट साइड पे ये सारी सारी पिक्चर्स मैंने लगाई हैं। आपने कोशिश करनी है अपनी पिक्चर की क्वालिटी जो है वो इन्हांस करो। अगर आपकी पिक्चर अच्छी नहीं है तो आप लोग HD पिक्चर्स कहीं से ढूंढ के लगाओ। अगर नहीं मिल रही पिक्चर वही है तो उसको अपस्केल कर लो, आपको काफी ज्यादा फ्री वेबसाइट्स मिल जाती हैं। तो इधर मैंने जो पिक्चर्स लगाई हैं वो मैंने अपस्केल करके लगाई हुई हैं, ताकि कस्टमर को थोड़ा सा ना देखने में अच्छी चीज लगे। ये ना हो आपने ब्लरी पिक्चर्स लगाई हो, कस्टमर कहे कि यार इसने कोई पता नहीं कहाँ से उठा के लगा दी है। और इधर राइट साइड पे अगर आप लोग देखो, पहले नंबर पे ऊपर मैंने टाइटल दिया हुआ है। टाइटल कोशिश करो छोटे से छोटा रखो अपनी प्रोडक्ट का। ये कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आप लोग इसको जाके इम्प्रूव कर सकते हो अपने स्टोर को भी, क्योंकि हमने कौन से इधर ऑर्गेनिकली ऑर्डर लेकर आने हैं, हम पेड मार्केटिंग करेंगे, हमारे डायरेक्ट उधर से कस्टमर आने वाले हैं। सो टाइटल को छोटे से छोटा रखना है। उसके बाद इधर मैंने एक अपनी हेडलाइन दे दी है मेन, और नीचे मैंने कुछ इधर ये बैजेस डाल दिए हैं कि आप लोग सेव कर सकते हो इतनी, मतलब परसेंटेज जो है आपको मिलेगी अगर आप इतने बाय करोगे, इतने बाय करोगे, जस्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। नीचे उसके बाद प्राइस मेंशन हो गया है, आपने प्राइस अपनी प्रोडक्ट की अपने हिसाब से देख लेनी है जो आपको अच्छी लगे। उसके बाद नीचे मैंने इधर कलर्स स्वेचेस जो है वो ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने ये एक ऑफर ऐड किया बंडल्स की, आप लोग भी ऐड कर सकते हो, ताकि आप कस्टमर को थोड़ा सा इंपैक्ट पड़े कि अगर मैं एक बाय करूंगा तो मुझे 149 दिरहम की पड़ेगी, अदरवाइज अगर मैं दो बाय करूंगा तो मुझे 223 की पड़ेगी। मतलब इसमें मैंने 25% डिस्काउंट रखा हुआ है। अगर कोई बंदा तीन इकट्ठी बाय करेगा तो उसमें मैंने 30% या 35% डिस्काउंट रख दिया है, ताकि कस्टमर को थोड़ा सा होगी यार अगर मैं दो खरीदूंगा तो मुझे इतना डिस्काउंट पड़ जाएगा, तो अगर तो वो बाय करने में इंटरेस्टेड होगा तो ऑब्वियसली बात है वो दो या तीन खरीद लेगा, अदरवाइज वो एक ही बाय करेगा। उसके बाद नीचे मैंने ऐड टू कार्ट का बटन लगाया हुआ है, बाय नाउ मैंने हाइड किया हुआ है। डायरेक्ट अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरे चेकआउट पेज पे चला जाएगा, राइट। उसके बाद नीचे मैंने कुछ जो है वो ट्रस्ट बैजेस ऐड कर दिए हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है इनके जो है ना साइज थोड़ा सा बड़ा है, इनको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में जाके बाद में। नीचे मैंने ये ड्रॉप डाउन ऐड कर दिए हैं, अगर लेट्स से कस्टमर जानना चाह रहा है कि मेरी इस प्रोडक्ट का जो है उसके बारे में बॉक्स में हमें क्या क्या मिलेगा, वो इधर से ड्रॉप डाउन करेगा, इधर से पढ़ लेगा। उसके अलावा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर उसने देखनी है, इधर से ड्रॉप डाउन करके सारी कैपेसिटी है, बोतल है, वेट है, उसके बाद हाइट, उसकी बैटरी, मतलब सारे डायमीटर जो है वो इधर से रीड कर लेगा। वारंटी कितनी है वो इधर से वो चेक कर सकता है, शिपिंग क्या होने वाली है वो इधर से देख सकता है, रिटर्न्स का क्या प्रोसेसिंग होगी, मतलब ओवरऑल मैंने ड्रॉप डाउन डाल दिए, कस्टमर इजीली इधर से पढ़ के उसको सारा आइडिया हो जाएगा। अब नीचे जैसे वो स्क्रॉल करेगा उसको हमारे जो कस्टमर्स के रिव्यूज हैं वो शो होने वाले हैं। ये एग्जैक्ट डिटो कॉपी पेस्ट मैंने अपनी प्रोडक्ट के ही डाले हैं, ऊपर प्रोडक्ट की बकायदा जो है ब्रांडिंग हुई पड़ी है इन मतलब रिव्यूज के ऊपर। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है व्हाट डज इट वर्क, मतलब ये काम कैसे करती है प्रोडक्ट, क्योंकि कस्टमर को तो अभी कोई आइडिया नहीं हो रहा कि यार ये प्रोडक्ट तो चलो उसने देख ली, अब उसको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि यार ये काम कैसे करती है। तो उधर मैंने थोड़ा सा जो मेंशन कर दिया हुआ है कि इसके ये यूजेस हैं, और उसके बाद नीचे इसको कंपेयर करके भी मैंने शो करवा दिया कि इसमें क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं जो कि बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं होती। और लास्ट पे एज इट इज हमारे वही सेक्शन है जो मैंने होम पेज पे डाले हुए हैं। ओके, तो ये सेम एज इट इज वैसे ही है। हाँ, इधर मैंने एक FAQs का सेक्शन डाला हुआ है, ताकि कस्टमर अगर कोई क्वारीज है तो इधर से आगे रीड कर सकता है। और लास्ट पे ये अगेन ट्रस्ट बैजेस आ गए, और मैंने कस्टमर रिव्यूज का सेक्शन लाजमी ऐड किया है, क्योंकि आपको ये चीज मैं बताता हूँ कि जब भी आपने अपनी प्रोडक्ट जिसकी भी ऐड चलानी है उसके रिव्यूज लाजमी डालने हैं, क्योंकि ये देखो हर बंदा जो है ना पहले प्रोडक्ट खरीदने से पहले थोड़े से रिव्यूज रीड करता है कि उस प्रोडक्ट के क्या रिव्यूज हैं, अच्छी भी है नहीं अच्छी, पहले जिन्होंने चीज बाय की है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो इधर मैंने ये चेक करें रिव्यूज डाल दिए हैं पिक्चर्स के साथ, ये जितने भी रिव्यूज हैं सारे के सारे फेक रिव्यूज हैं, मतलब मैंने किसी से उठा के कई वेबसाइट से इधर आगे पेश कर दिए हैं। आप लोग भी एज इट इज कर सकते हो, मैंने आपको अपने कोर्स में बताया हुआ है कि ये एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग इम्बेड कर सकते हो। ट्रस्ट टू है, इसके लिए एप्लीकेशन यूज होती है, उसके अलावा जजमी यूज होती है, आप लोग उनका यूज कर सकते हो। उसके बाद लास्ट पे हमारा फूटर आ जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। सो गाइस, ये था हमारा छोटा सा स्टोर जो मैंने अभी डिजाइन किया है, और कैसा लगा है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके मुझे बताना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग कैसे करनी है। मैं मार्केटिंग करने वाला हूँ दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, पहले नंबर पे मैं टिकटॉक पे करूंगा, दूसरे नंबर पे हम लोग फेसबुक पे करेंगे, और 24 आवर्स के लिए मैं एड को रन करने वाला हूँ फेसबुक पे।
टिकटॉक पे मैं 24 घंटे के लिए नहीं चलाऊंगा, मैं थोड़े टाइम के लिए चलाऊंगा क्योंकि मुझे पता है उधर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है अगर हम 24 घंटे के लिए ऐड चलाते हैं। देखते हैं हमारे क्या रिजल्ट्स रहते हैं। जो भी होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज आपके सामने मैं ओपनली दिखाऊंगा। इसमें ये चीज नहीं होगी कि यार फेक ऑर्डर दिखा दिए भाई ने या ऑर्डर नहीं आए तो मैंने नहीं दिखाए। देखो मुझे भी नहीं पता ये प्रोडक्ट जो है वो चलेगी या नहीं चलेगी। अभी मैं भी आपकी तरह इसको टेस्ट करने वाला हूँ मार्केट में। मैं ऐसा भी कर सकता था कि कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर देता जिसके ऑलरेडी मैंने मार्केट में ऑर्डर्स लिए हुए हैं जो कि एक विनिंग प्रोडक्ट, मतलब मैं ऑलरेडी उसका यूज कर रहा हूँ। बट मैं ये वीडियो बनाने का मकसद लाइव जाने का पता क्या होता है, आपके साथ हर चीज ओपनली शो की जाए ताकि आप लोग भी इन चीजों से सीख सकें। अब देखो इस प्रोडक्ट की लाइव टेस्टिंग कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सारी चीजें लाइव प्रैक्टिकली। अब चलते हैं, पहले टिकटॉक की ऐड चलाता हूँ, फिर दूसरे नंबर पे फेसबुक पे ऐड चलाएंगे और सारी चीजें जो जो मैंने टारगेटिंग की है वो भी आप लोगों को शो करवाने वाला हूँ और लास्ट पे हमारे जो क्या रिजल्ट्स रहते हैं वो भी हम देखेंगे। सो गाइस सबसे पहले आप लोग इधर देख सकते हो मैंने अपना टिकटॉक एड्स मैनेजर ओपन कर लिया है और इधर मैंने एक ताजी ताजी कैंपेन रन की है, ये चेक करें क्रिएटिव वन के नाम से। जितनी देर ये लाइव नहीं होती उतनी देर मैं आपको टूर करवा देता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें टारगेट की हैं, क्या मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज लगाई हैं। पहले नंबर पे कैंपेन लेवल पे देखो एक्टिव आ रहा है, आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये लाइव होगी अभी तक ये लाइव नहीं हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। एड ग्रुप लेवल पे आओ, ये आप लोग देखो नो डिलीवरिंग और इन रिव्यू आ रहा है। ओके अगर एड लेवल पे आके मैं आपको दिखाऊं ये तीन मैंने टेस्टिंग की है क्रिएटिव्स को, नो डिलीवरिंग आ रहा है और इन रिव्यू आ रहा है। जैसे ही टिकटॉक इसको चेक कर लेगा 5-10-15 मिनट लगेंगे ऑलमोस्ट, उसके बाद ये हमारी कैंपेन लाइव हो जाएगी। चलो उतनी देर मैं आपको कैंपेन लेवल पे लेके चलता हूँ और इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या चीजें इधर टारगेट की हैं, क्या मैंने स्ट्रेटेजीज लगाई हैं। पहले ऑब्जेक्टिव देख लो, मैंने वेबसाइट कन्वर्जन रखा हुआ है, सिंपल है, कैंपेन का नाम क्रिएटिव वन रख दिया है, उसके बाद बजट मैंने 100 दिरहम का लगा दिया है। अभी इधर नीचे आपको शो तो नहीं हो रहा बट इधर मैंने CBO कैंपेन रन किया है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का आपको ऑप्शन मिलता है वो मैंने लगाई है क्योंकि मैंने इस कैंपेन में तीन अपने डिफरेंट क्रिएटिव्स को टारगेट करना है, टेस्टिंग करना है, तो दैट्स व्हाई मैंने CBO कैंपेन रन किया है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, एड ग्रुप लेवल पे आते हैं और इसको मैं अगर एडिट पे क्लिक करूं मैं चेक करवा देता हूँ आपको इसमें मैंने क्या क्या चीजों को टारगेट किया है। नंबर वन पे आप देखो एड ग्रुप नेम मैंने क्रिएटिव वन अगेन से रख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी रख लो, आप अपनी याद आने के लिए इसको लिखते हो। उसके बाद इधर मैंने पिक्सल अपना इम्तियाज एमरेट का सेलेक्ट किया है, ऑप्टिमाइजेशन इवेंट कंप्लीट पेमेंट्स मैंने रखा है, उसके बाद प्लेसमेंट्स मैंने ऑटोमेटिक नहीं रखी, मैंने रखा है सिलेक्ट प्लेसमेंट, मैं अपनी मर्जी से टिकटॉक को सेलेक्ट किया है। ऑटोमेटिक में ये दोनों भी आ जाती हैं, मैं इन पे नहीं दिखाना चाह रहा, आप लोगों की मर्जी है। एडवांस लेवल पे मैंने जो है कमेंट्स को भी ऑफ कर दिया है, शेयरिंग और डाउनलोड तीन ऑप्शन मैंने बंद कर दिए हैं। ओके उसके बाद डेमोग्राफिक्स में मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ओपन रखे टारगेट किया है, इसमें कोई नैरो टारगेटिंग नहीं की। एज मैंने जो है 18 से लेकर 55+ रखी हुई है, आप लोग अपने हिसाब से इसको लेके चल सकते हो अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, मैंने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से इसको जो है टारगेट कर लिया है। जेंडर जो है वो ऑल पे रखा है मैंने, मेल फीमेल दोनों के लिए हमारी प्रोडक्ट मौजूद है। उसके बाद मैंने स्पेंडिंग पावर ऑल पे रखी है, नीचे आप लोग देखो इंटरेस्ट हमने ओपन रखे हैं, मैंने कोई इंटरेस्ट को टारगेट नहीं किया। मैं जब भी अपनी पहली कैंपेन रन करता हूँ उसमें हम लोग इंटरेस्ट को ओपन ही रखते हैं, हम लोग उसमें ज्यादा नैरो टारगेटिंग में नहीं जाते। उसके बाद बजट आप लोग देखा है मैंने पीछे 100 दिरहम का रखा था, उसके बाद स्केड्यूल मैंने नहीं किया और बाकी चीजें एज इट इज ही है। इसको मैं इधर से कैंसिल करता हूँ, ये भी आप लोगों ने देख लिया। थर्ड वन पे चलते हैं अपने एड लेवल पे। एड लेवल पे मैंने तीन डिफरेंट क्रिएटिव्स को टारगेट किया है, आप लोग एक को भी कर सकते हो, दो को भी, तीन को भी, आप लोग की मर्जी है। अब ये CBO कैंपेन चल रही है, CBO का मतलब होता है कि आप एक कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन चला रहे हो जिसमें आप डिफरेंट क्रिएटिव को टेस्ट कर सकते हो एट अ सेम कैंपेन में। अगर आप लोग ये एडवांस स्ट्रेटेजी सीखना चाह रहे हो तो आप लोग मेरे चैनल को जाकर विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना, उधर आपको फेसबुक एड्स कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। इसको मैं आप लोगों को एडिट करके एक तो दिखा देता हूँ मैंने इसमें क्या क्या चीजों को टारगेट किया हुआ है। सो गाइस इधर आप लोग देखो तो मैं नीचे अगर स्क्रॉल करके तो इधर मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, उसके बाद मैंने ये क्रिएटिव अटैच किया है और लास्ट पे कॉल टू एक्शन बटन जो है वो शो अप ना हुई है और हमारा जो URL है इसको मैं एक बार प्रीव्यू करके भी दिखा देता हूँ। ये चेक करें हमारा कस्टमर सही जगह पे लैंड हो रहा है, सेम चीजें जो है मैंने टारगेट की हैं बाकी दोनों क्रिएटिव्स में भी, बस फर्क ये है कि क्रिएटिव की जो वीडियो है वो मैंने चेंज की हुई है। सो गाइस इसी के साथ हम लोग फेसबुक का भी मैं आपको शो करवा देता हूँ और इधर आप लोग देखो भी तो हमारे तीन जो है लेवल्स हैं, पहला जो है हमारा कैंपेन लेवल है, फिर एड्स लेवल आता है, फिर एड्स लेवल आता है। पहले कैंपेन लेवल पे आप लोग देखो मैंने नाम दे दिया, कुछ भी रैंडम आप लोग कुछ भी दे सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इधर मैंने बाइंग टाइप जो है वो ऑप्शन रखी हुई है, उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है हमारा सेल्स ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि हमने कैंपेन्स पे अपनी सेल जनरेट करनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को इधर एडवांटेज कैंपेन बजट का मिलता है ऑप्शन, आप लोग इसको ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने इधर भी CBO कैंपेन ही रन किया है इस वजह से मैंने इसको ऑन कर लिया है और मैंने पूरी की पूरी कैंपेन को जो बजट दे दिया वो है 1200 रुपये का।
आप लोगों की मर्जी है, मैंने आपको पहले भी ये सारी चीजें बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कि ये बजट मैंने क्यों इतना लगाया है, इसके पीछे स्ट्रेटेजीज क्या है, बाकी आप पे ये चीजें डिपेंड करती हैं, राइट। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ए बी टेस्टिंग मैंने नहीं की और इधर से कोई भी चीज हम लोगों ने चेंज नहीं की। सेकंड लेवल पे चलते हैं हम अपने एड सेट लेवल पे। इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने टारगेटिंग किस किस चीज की है। एड सेट लेवल का जो नेम है वो हम लोगों ने ब्रॉड से आप लोग आइडिया हो गया होगा कि हमने कोई टारगेटिंग नहीं की, ब्रॉड रख के मैंने चलाया है। और नेक्स्ट इधर आप लोग नीचे देखो तो कन्वर्जन पे मैंने वेबसाइट को सिलेक्ट किया हुआ है, और नीचे मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं तो परफॉर्मेंस गोल मैंने रखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन के, मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है कन्वर्जन चाहिए। पिक्सल मैंने इधर अपना इम्तियाज एमरेट वाला जो है सेटअप कर लिया था, उसको मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, और कन्वर्जन इवेंट में मैंने परचेज को सिलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर दें आप लोग, नीचे अगर देखो तो इधर मैंने कोई स्केड्यूल नहीं किया, इसका डेट जो ऑटोमेटिक है वही मैंने सेटअप कर दी थी। और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगर देखें तो ऑडियंस आती है, ऑडियंस में भी हम लोगों ने कोई टारगेटिंग नहीं की, मैंने ओपन रखे चलाई है। इधर आप लोग देखो तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मैंने ओपनली टारगेट किया है, और नीचे अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को एज जो है वो मैंने 18 से 50 को टारगेट किया है। जेंडर मैंने ऑल रखा हुआ है, मेल फीमेल दोनों को। और नीचे आप लोग इधर डिटेल टारगेटिंग में देख सकते हो मैंने कोई इंटरेस्ट को टारगेट नहीं किया, राइट। उसके बाद ना ही मैंने कोई बिहेवियर को टारगेट किया। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, प्लेसमेंट्स आती हैं, प्लेसमेंट्स जो है मैंने एडवांटेज प्लेसमेंट्स पे ही रखा है। मैंने फेसबुक को कह दिया कि भाई जिधर तेरा दिल कर रहा है दिखाओ, मैं नहीं इसको मतलब के छेड़ूंगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इधर ये सजेशन एड्स जो शो करवा रहा है, ये मेरे क्रिएटिव्स हैं, दैट्स व्हाई ये आपको इधर शो करवा रहा है जो मैंने टारगेट किए हैं, ये मैं अभी आपको शो करवा देता हूँ, बाकी कोई और सेटिंग्स नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड एड लेवल के ऊपर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इधर आप लोगों को तीन एड्स मेरी क्रिएटिव शो हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इधर जो है तीन अपने क्रिएटिव्स को टेस्ट किया हुआ है। पहला क्रिएटिव वन है, इसको मैं क्लिक करके ओपन करके आपको शो करवा देता हूँ। ये चेक करें, मैंने एड नेम जो है क्रिएटिव वन रखा हुआ है। उसके बाद मेरा फेसबुक पेज इधर कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पेज कनेक्टेड है। एड सेटअप पे मैंने जो है क्रिएट एड सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने इधर से मैनुअली अपलोड किया है अपनी वीडियो को। इधर से मैंने मैनुअल अपलोड पे सेलेक्ट करके इधर से मैंने किया है सिंगल इमेज और वीडियो ऐड के ऊपर। आप पे डिपेंड करता है आपने कैरोसेल ऐड चलानी है, फ्लेक्सिबल चलानी है, वीडियो ऐड चलानी है, इमेज ऐड चलानी है, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं जस्ट अभी टेस्टिंग फेज में हूँ और मैंने पहली कैंपेन रन की है, दैट्स वाई मैंने इन सभी चीज़ों को ओपनली टारगेट किया है। उसके बाद नीचे है एड सोर्स आ जाता है, इधर आप लोग सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। और एड क्रिएटिव में भी आप लोग देखो मैंने मीडिया जो है अपना ऐड कर दिया है, पहली जो वीडियो मैंने ये ऐड की हुई है, दूसरे क्रिएटिव पे आके मैंने वीडियो बस चेंज किया, बाकी टारगेटिंग जो है वो मैंने सारी की सारी जो है वो सेम रखी हुई है, मैंने कोई चीज नहीं छेड़ी। क्रिएटिव टू पे आओगे आप लोग, इधर से ये चेक करो क्रिएटिव चेंज हो गया है। उसके बाद क्रिएटिव थ्री के ऊपर भी मैं क्लिक करके आपको शो करवा देता हूँ, इसकी भी मैंने सेम चीजें सारी की सारी टारगेट की है, बस मैंने वीडियो चेंज किया है। हेडलाइन भी आपको तीनों की सेम देखने को मिलेगी, डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को तीनों की सेम देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऊपर जो मेन इसकी जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है, ये भी आप लोगों को तीनों का तीनों सेम ही देखने को मिलेगा। और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं, कॉल टू एक्शन बटन मैंने शो नाउ ही रखा है तीनों का। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, इधर हम लोग अपनी वेबसाइट का जो डेस्टिनेशन जो है, जिधर हमने अपने कस्टमर को लैंड करवाना होता है, वो लैंडिंग पेज का यूआरएल इधर मैंने पुट किया हुआ है और मैंने इनको पब्लिश कर दिया है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज लगाई है मैंने फेसबुक की और टिकटॉक की, जो कि अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब हम लोग वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या रिजल्ट्स रहते हैं। The next day. Alright, so guys, आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि अभी सुबह के जो है ऑलमोस्ट जो है 8:10 मतलब 8:15 हो रहे हैं और आज 27 डेट है। और मैं सबसे पहले आपको टिकटॉक के स्टैट्स दिखाता हूँ। अभी आप लोग इधर देखो, ये हमारी कल की डेट सिलेक्टेड है, मैं टुडे पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और आज हमारी जो है स्पेंडिंग जो हुई है वो 1.3 दिरहम की हुई है और हमें जो है 775 इंप्रेशन मिले हैं, एक क्लिक मिल रहा है आज और कोई ऑर्डर नहीं आया। मैं आपको कल के स्टैट्स दिखा देता हूँ। इधर से मैं 26 सिलेक्ट करता हूँ और इधर हमारी जो कल की कॉस्ट आई है वो 28.6 दिरहम की आई है, 14,000 इंप्रेशन पड़े हैं, 48 क्लिक्स आए हैं और हमारी कन्वर्जन जो है वो जीरो रही है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं आया। कोई मसला नहीं है, हम लोग अपने कैंपेन लेवल पे जाके अपने स्टैट्स देखते हैं कि हमारी कारकर्दगी क्या रही है और हमने गलती किधर की है, हमारी कौन सी कैंपेन ने अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा सा ना स्टैट्स को देख लेते हैं। ये कैंपेन है, कैंपेन मैंने ऑफ कर दी हुई है, आप लोग वैसे भी ये ऑफ हो गई थी क्योंकि हमारा बैलेंस बहुत लो था और आप लोगों को पता है हमारा ऑलमोस्ट है 29 दरहम का जो है बैलेंस पड़ा हुआ था, वो जैसे ही स्पेंडिंग हुई कल रात ही ये जो है कैंपेन बंद हो गई थी। अच्छा, ये एड बैलेंस का एरर भी आ रहा है, एनीवे इसको मैं इग्नोर मारता हूँ। ऊपर आप लोग इधर से स्क्रॉल करके देखो, हमारी टोटल कॉस्ट पड़ी है 29.9 दरहम की, CPC रहा है हमारा 0.6 दरहम का और इधर से आप लोग इंप्रेशन देखो 14,000 इंप्रेशन आए हैं, टोटल क्लिक समय पड़े हैं 49 और CTR हमारा रहा है 0.33%, जो कि बहुत लो CTR रहा है। मैंने आपको बताया कि आपने अपना CTR जो है वो 1% से प्लस रखना है। तो ये आप लोग इधर से आपको आइडिया हो गया कि हमारे जो क्रिएटिव हैं उनमें थोड़ा सा मतलब जान नहीं थी,
जो टिकटॉक पे हम लोगों ने चलाए, सेम मैंने फेसबुक पे भी चलाए थे, फेसबुक पे भी अभी चलते हैं, देखते हैं कि उधर क्या सिनेरियो है। कन्वर्जन हमारी जीरो है और बाकी स्टैट्स आप देख सकते हो। अब मैं एड लेवल पे डायरेक्ट चलता हूँ और इधर हम लोग देखते हैं कि हमारी कौन सी एड ने ज्यादा परफॉर्म किया है। फिर हम लोग ये क्या, ये डिसअप्रूव लिखा हुआ है, मतलब हमारी ये एड चली नहीं है। चलें इसको हम साइड पे कर देते हैं, टिकटॉक ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था। देखो यार, टिकटॉक के अपने रोल हैं, टिकटॉक अपने हिसाब से चीज़ों को देखता है, उसको जो दिल करता है वो चला देता है, जो चीज़ नहीं उसको अच्छी लगती वो मतलब डिसअप्रूव कर देता है। ये तो मेरा यूएई दुबई का अकाउंट है, दैट्स वाई इसने डिसअप्रूव कर दिया। अगर कोई पाकिस्तानी एजेंसी का अकाउंट किसी थर्ड पार्टी बंदे से आप लोगों ने लिया होता तो ये कब का जो है सस्पेंड हुआ पड़ा होना था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपने जब भी टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेना है ऑफिशियल पार्टनर से लेना है, ताकि आप इन चक्करों में ना पड़ो। अब इसके स्टैट्स में देखता हूँ कि मेरा तीन क्रिएटिव से किसका क्या रिजल्ट्स रहे हैं। अच्छा, मेरा जो ये पहला क्रिएटिव है ना, इसके जो रिजल्ट्स रहे हैं, इसने टोटल कॉस्ट ली है 20 धर्म की ऑलमोस्ट। उसके बाद सीपीसी इसका मुझे रहा है 0.48 का, और इधर इंप्रेशन जो रहे हैं वो 9000 मतलब 10000 इंप्रेशन इस एड पर मेरे आए हैं। क्लिक्स जो हैं सबसे ज़्यादा 42 है, वो इसी एड पर रहे हैं। नीचे वाली ये तो डिसअप्रूव हो गई थी, इसको वैसे निकाल देते हैं। और लास्ट वाली जो एड है इस पर टोटल 7 क्लिक्स आए हैं। मतलब ये कि मेरी जो पहला क्रिएटिव ये वाला है ना, ये सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, इसके इंप्रेशन भी अच्छे रहे हैं, इधर क्लिक्स भी अच्छे रहे हैं, सीटीआर भी ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो ठीक है, बट एक ना होने के बराबर ही है अगर मैं देखूँ इसको। मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप लोगों ने सीटीआर जो है वो 1% से प्लस ही रखना है। कन्वर्जन हमारी जीरो रही है ऑलमोस्ट सभी केसेज में। अब इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यही है कि मैं सिर्फ इसी जो है इस क्रिएटिव को चलाऊं और इसको मैं थोड़ा सा स्केल करूं। स्केल में ये होगा कि इसमें बजट मैं थोड़ा सा ज्यादा दूंगा और इसमें थोड़ी सी मैं टारगेटिंग करूंगा अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, देन मुझे इसमें ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं टेस्टिंग फेज। और फेसबुक पे भी आप लोग देख सकते हो कि अभी हमें कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, हमारे जो रिजल्ट्स हैं जीरो हैं। तो चलो ऐसा करता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर वेट करता हूँ, फेसबुक को थोड़ा टाइम देते हैं ताकि ये अपने हिसाब से परफॉर्म करे, और नेक्स्ट अगर कोई ऑर्डर आता है तो देन मैं आपको साथ साथ फिर अपडेट करता रहूंगा। सो गाइस, फाइनली जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर कि हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है और हमें टोटल 3 ऑर्डर्स आए हैं बंडल में। और नीचे आप टाइम भी देखो, 12:28 हो रहे हैं जिस टाइम पे ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और हमारा ऑर्डर किस टाइम पे है वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ। आप लोग नीचे जो है टॉप लोकेशन चेक कर सकते हो, दुबई से शारजा से हमारे सेशंस रहे हैं, और हमारी प्रोडक्ट्स भी आप लोग देख सकते हो 312 धर्म की हमने सेल कर ली है अभी के टाइम की अगर मैं बात करूं तो। और ऊपर आप लोग देखो हमारा एक ऑर्डर है, ऑर्डर वाले सेक्शन में मैं जाके आपको दिखा भी देता हूं। ये हमारा ऑर्डर है, 10:15 AM पे हमारा ऑर्डर आया है, और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको। इधर आप लोग देखो तो साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको शो भी हो रहा है कि हमारे टोटल जो है वो 3 ऑर्डर आए हैं बंडल में, 104 धर्म मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। और इधर साइड पे मैं आप लोगों को कस्टमर की डिटेल्स भी शो करवा देता हूँ। ऑब्वियसली मैं आपको सारी चीजें नहीं शो करवाऊंगा, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ताकि उनके नंबर वगैरह लीक ना हो जाए, और नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट है वो मैं हाइड कर दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ना हो। सो गाइस, फाइनली जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, हमारे पास ऑर्डर आ गया है, हमारे पास कस्टमर की सारी सारी डिटेल्स आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये निकलता है कि हम उस ऑर्डर को कन्फर्म करें। दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आप अपने कस्टमर से एडवांस में पेमेंट ले रहे हो तो देन आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो वो बंदा सीरियस है तो उसने आपको पेमेंट कर दिया है। आपने सिंपल से जाना है किसी भी वेबसाइट पे, जो भी मतलब के सप्लायर है जिससे आपने प्रोडक्ट उठा के अपनी साइट पे लिस्ट की है, उधर से जाके फुलफिल कर देनी है। पीछे सप्लायर मैंने आपको सारे बताए हैं, सीजे है, सब ड्रॉप शिपिंग है, कोई भी सप्लायर है, चाहे जंबील है, जो भी है, आपने जाके उधर से फुलफिलमेंट कर लेनी है। सेकंड स्टेरियो मेरे पास ये था कि कैश ऑन डिलीवरी वाला, मैंने जो अभी ऑर्डर उठाया मैंने आपको दिखाया, वो मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे उठाया है, और मैंने जो है वो दुबई के मार्केट में उठाया है, राइट। तो अब मेरा थोड़ा सा इस केस में मुझे क्या है कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि देखो मैं ऐसे डायरेक्टली भेजूंगा, मे भी हो सकता है कि मेरा पार्सल जो है वो रिटर्न आ जाए। वैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज हमें नहीं देखने को मिलती, आप लोग पार्सल आंखें बंद करके भेज सकते हो बगैर कंफर्मेशन के, लेकिन बेस्ट वे तो यही है कि आप लोग उसको एक बार कंफर्म कर लो। अब दुबई का नंबर था, दुबई का ऑर्डर था, मैंने पहले उनको कॉल की, उन्होंने कॉल पिक नहीं की, तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था। जो भी चैट हुई है मैं आपको भी शो करवाता हूँ, कैमरा मैन अगर आपको फोकस करके दिखाए, ये हमारी चैट हुई है, मैंने उनको मैसेज किया है का, उसके बाद मैंने नाम लिखे हाउ आर यू, और नीचे ये मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया था उनकी डिटेल, जिसमें सारी की सारी शो हो रही है। ये मैं अभी ब्लर कर दूंगा, ये ना उनका नंबर वगैरह डाटा लीक हो जाए। नेक्स्ट मैंने उन्हें कहा कि काइंडली कन्फर्म योर ऑर्डर, उन्होंने कहा कि कौन सा ऑर्डर है भाई, मैंने कहा काइंडली पिक द कॉल, मैंने कॉल पिक करने को बोला कि उन्होंने कहा आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो, यहाँ पर दुबई में राइट नाउ जो है वो वर्किंग में नहीं है व्हाट्सएप, तो मैंने कहा सॉरी कोई मसला नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि विच ऑर्डर मुझे थोड़ा सा बताओ, तो मैंने उन्हें बोला कि चलें ठीक है मैं आपको प्रोडक्ट का ना लिंक भेज देता हूँ, ये मैंने उनको प्रोडक्ट का अपनी का लिंक भेजा वेबसाइट का, मैंने कहा दिस वन, उन्होंने कहा कंफर्म्ड, ओके। सो भाई ये था तरीका अगर ऑर्डर कंफर्मेशन का। मुझे पता है काफी सारे लोग मेरे से ये भी पूछेंगे कि भाई हमारे पास पाकिस्तान में बैठ के अगर मैं यूके यूएस में मतलब कि ऐसे कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहा हूं तो मैं ऑर्डर कंफर्मेशन कैसे करूंगा।
पहली चीज मैंने आपको बताई है, यूके यूएस में कैश ऑन डिलीवरी नहीं चलती, सिर्फ दुबई की मार्केट में चलती है, उधर आप लोग कर सकते हो। अब नंबर का सिलसिला का रही है कि आप लोग व्हाट्सएप पे भी कंफर्म कर सकते हो जैसे मैंने किया है, अदरवाइज यूएई की दुबई की फिजिकल सिम मिल जाती है इजिली, आप लोग जाके बाय कर सकते हो, आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगी, ऑर्डर कंफर्मेशन कर लिया करना। सो गाइस इधर हमारा चैलेंज एंड होता है। जैसा कि आप लोग को चैलेंज के स्टार्ट में भी मैंने बोला था कि मुझे भी नहीं आइडिया कि यार ऑर्डर आएगा भी कि नहीं आएगा, तो मैंने आपको लाइव ऑर्डर लाके दिखाया, स्ट्रेटजीज भी बताई है, टेस्टिंग का भी सारा तरीका का समझा दिया है। वीडियो कैसी लगी है लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, लाइक लाजमी करना क्योंकि भाई की बहुत ज्यादा एफर्ट लगी है, और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट भी इसी तरह की मजे मजे की वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज की तरह ही, अल्लाह हाफिज़।